प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नगदी जब्त की है। सूत्रों के मुताबिक नगदी 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। फिलहाल नोटों की गिनती जारी है। नोट गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई है, काउंटिंग जारी है। बता दें कि ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। देखिए बता दें कि आपको कि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के सहायक के ठिकानों पर ईडी का छापा, जहां 25 से 30 करोड़ कैश और जेवरात मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बैंक के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। नोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है। हरमुगेगढ़ी थाना के सैयद रेसिडेंसी में ये छापेमारी जारी है। नोटों की गिनती वाली मशीनें मंगाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कैश और जेवरात जो है ईडी की टीम को हाथ लगे हैं और सभी की गिनती अभी जारी है। आपको बता दें कि कई जगहों पर आज रांची में ईडी की टीम की दबिश पड़ी है। सेल सिटी चिरौंदी और बरियातू में भी रेड चल रही है। आपको बता दें कि 3 से 4 ठिकानों पर ईडी की दबिश सुबह से ही चल रही है। मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर और दीपक हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक देखिए ये चुनाव के बीच कैश बरामदगी एक राजनीतिक बवाल खड़ा करता है और देखिए कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सांसद के यहाँ जो 350 करोड़ के करीब कैश बरामद हुआ था उस पे पीएम मोदी ने निशाना भी साधा था और आज ये ईडी की दबिश के बाद इतना कैश मिला है। जी बिल्कुल, देखिए अभी चुनावी मौसम है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और जो है आज ईडी की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली। आज अहले सुबह से ही राजधानी रांची के कई लोकेशन पर इंजीनियरों के ठिकानों पर जो है ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद है रांची के चिरौंदी मोराबादी इलाका के अंतर्गत चिरौंदी बस्ती में और यहाँ पर कुलदीप मीन जो सिविल इंजीनियर है लोहरदगा में पोस्टेड है उनके ठिकाने पर ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। इसके अलावा कई लोकेशन पर सेल सिटी में भी इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो बरियातू के में भी एक इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। इन सब के बीच जो आलमगीर आलम जो के सूबे के मंत्री है, ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री है आलमगीर आलम, उनके पीए निजी पीए के नौकर के ठिकाने पर भी जो ईडी के दबिश जो है वो हुई है और 25 से 30 करोड़ रुपया जो कैश है वो ईडी बरामद किया है। रकम काफ़ी अधिक है, लिहाजा मशीन नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है और नोटों की गिनती की जा रही है। अब इसके साथ साथ जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, चूँकि बीते साल 2023 में फरवरी 2023 में ईडी की बड़ी एक कार्रवाई हुई थी और उस कार्रवाई में ग्रामीण विकास विभाग के जो निलंबित चीफ इंजीनियर के वीरेंद्र राम के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में कई जो है लोकेशन पे होने के बाद जब ईडी की छापेमारी खत्म हुई थी तो कैश भी बरामद किया गया था। लगभग 39 करोड़ रुपए जो संपत्ति जो है वो ईडी ने अटैच और जब्त किया था। इसके बाद जब पूरी छापेमारी के बाद जब पूरी तरह से जाँच की गई थी तो वीरेंद्र राम पर लगभग 1 अरब से अधिक का जो संपत्ति अवैध तरीका से अर्जित करने का जो आरोप है वो ईडी के द्वारा लगाया गया था और इसकी जानकारी जो है ईडी के द्वारा दी गई थी। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद जो है वीरेंद्र राम के ठिकाने पे हुई छापेमारी में जो ईडी को जानकारी मिला था, जो दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था, उसके सत्यापन करने के बाद एक साल बाद एक बार फिर जो है वो इंजीनियरों के ठिकानों पर जो है ईडी की दबिश देखने को मिल रही है और जिस तरह से आज छापेमारी चल रही है और छापेमारी जब पूरा ख़त्म होगा उसके बाद देखना होगा कि ईडी जो है वो आगे किस तरह से बढ़ती है, क्या क्या ईडी को बरामद होता है, क्या कुछ दस्तावेज या डिजिटल डिवाइस वगैरह भी बरामद होता है। लेकिन जिस तरह से अगर झारखंड प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे पहले जो ईडी की कार्रवाई हुई थी 6 मई 2022 को खुटी मनरेगा घोटाला मामले को लेकर कार्रवाई हुई थी, कई लोकेशन पर छापेमारी हुई थी और उस मामले में
पूजा सिंगल जो निलंबित आईएएस है उन्हें ईडी ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है और वो अभी भी जो है जेल में बंद है। इसके अलावा उसके बाद अवैध खनन मामले को लेकर के ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई थी। पंकज मिश्रा, बच्चू यादव समेत कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछा और 1000 से अधिक का जो है अनलीगल माइनिंग का जो है वो जांच जो है ईडी कर रही है और ये अनुमान ईडी के द्वारा लगाया गया है कि लगभग 1000 करोड़ से अधिक का जो है अनलीगल माइनिंग हुआ है साहिबगंज में। और उसके बाद जमीन घोटाला मामला, सरिया शराब घोटाला मामला, ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर के ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है। 2022 में शुरू हुई और अभी तक जो है कार्रवाई चल रहा है और इसी पूरे मामले में जमीन घोटाला मामले में हमने देखा भी कि 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, निलंबित आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार करके जमीन घोटाला मामले में जेल भेजा गया, कई जमीन का जो कारोबारी है, जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो मामले में सलाखों के पीछे है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है इसमें सफ़ेदपोश से लेकर के ब्यूरोक्रेट्स सभी लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है और यही वजह है कि जब पूरे मामले की कार्रवाई होने के बाद ईडी ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा। आज जो बड़ी कार्रवाई हुई है, कई इंजीनियरों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और जिस तरह से ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री आलमगीर आलम के जो ओएसडी है, निजी ओएसडी, उसके नौकर के घर से जब 25 से 30 करोड़ रुपया आज कैश बरामद हुआ है, अब तो कहीं ना कहीं पूरा ये मामले को लेकर के जो है अब जांच आगे बढ़ेगी और उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई ईडी के द्वारा की जाती है। क्योंकि जब इतने मोटी रकम अगर जब ईडी ने बरामद किया है तो जाहिर सी बात है उसे संबंधित लोगों को ईडी जो है समन जारी करके बुलाएगी, पूछताछ करेगी और उसके बाद ईडी क्या कार्रवाई होगी ये आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक माहौल है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस बीच ईडी की बड़ी कार्रवाई होती है और कार्रवाई में इतनी मोटी रकम अगर ईडी को मिलती है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सूबे में जो आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी जो है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन भाजपा खास तौर पे भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के लगातार कांग्रेस में प्रहार करते रही है, कटघरे पर खड़ा करते रही है और अभी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले रांची पहुँचे थे, झारखंड पहुँचे थे, तो वो जहाँ जहाँ भी चुनावी सभा को जन संबोधित किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण तौर पे जो है देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पे हमला कांग्रेस पर बोला, चाहे सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की बात करें या फिर कोटरमा की बात करें या फिर आपका लोहरदगा में बात करें, पलामू या लोहरदगा की बात करें, तो ये तीनों जगह पे जब चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री तो सीधे तौर पे भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के गंभीरता से सवाल उठाते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में ले रहे थे। अब जब इसी बीच जब इतनी बड़ी जो मोटी रकम मिला है और कहीं ना कहीं वो सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री जो कांग्रेस कोटा के मंत्री है और उनके निजी पीए के नौकर के घर से जब इतनी मोटी रकम मिली है और आने वाले समय में जब देश के प्रधानमंत्री फिर झारखंड पहुंचेंगे दौरे पर और चुनावी सभा को जब संबोधित करेंगे तो इस मुद्दा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीरता से फिर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को कटघरा में जरूर लेगी कि देखिए किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो हुआ है और देश के प्रधानमंत्री और भाजपा जो है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहती है, भ्रष्टाचार पर प्रहार करती है, तो ये कांग्रेस और जो सहयोगी दल है इनके ये लोग भ्रष्टाचार पर जो है सीधे तौर पे उस पर कटाक्ष करते हैं कि जब बीजेपी हमला करती है तो उसका कटाक्ष करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार को बचाने की बात करते हैं। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिला है और ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक तौर पे लाभ लेने की जो कोशिश है वो बीजेपी जरूर करता हुआ दिखेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, पहला फेज का चुनाव 13 मई को हो रहा है और जब पहला मैच का जब चुनाव होगा और जब चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं देश के प्रधानमंत्री और ख़ास तौर पे भ्रष्टाचार को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं और इस बीच अगर इस तरह के जो मोटी रकम बरामद होती है तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के तो सवाल जरूर खड़ा करेगी कांग्रेस को खास तौर पे। जी जी बिल्कुल दीपक, तो सवाल तो खड़ा करती नजर आएगी बीजेपी कांग्रेस पर और ये बड़ी रकम बरामद हुई है इस दौरान, इलेक्शन से अभी चुनाव के दौरान इतनी बड़ी कार्रवाई, ईडी की छापेमारी में इतना बड़ा कैश बरामद होना
और अब रुक कर लेंगे अपने सहयोगी इमरान का जो हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान देखिए अभी भी कैश की गिनती जो है वो जारी है, लगातार नोटों की गिनती जारी है, गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई, यानी कि रकम जो है काफी बड़ा है, अमाउंट जो है काफी बड़ा है, और इससे लेकर जो विपक्ष है वो घेरते नजर आएगी और इलेक्शन के टाइम पे ये जो कार्रवाई देखने को मिला। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी झारखंड आए थे और उन्होंने करप्शन के मुद्दे को ही खास कर उठाया था और उन्होंने सीधा निशाना साधा था और उसके बाद ही कार्रवाई। देखिए बिल्कुल करप्शन के मामले को लेकर के मौजूदा जो राजनीतिक सरगर्मी है, ऐसे में जो है इस पूरे मामले में सत्ता और विपक्ष के साथ जो है बयानबाजी का जो दौर है वो साफ तौर से देखा जा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब पैसे बरामद किए जाते हैं वो भी उस व्यक्ति के पास से जो कि साधारण तरीके से स्कूटी पर चलता है और स्कूटी पर डेली जो है इस जगह से आना जाना करते हुए वह दिखाई देते हैं और उसके पास से तकरीबन करोड़ रुपये बरामद किए जाना अपने आप में यह संदेह पैदा करता है। ऐसे में वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर के जब ईडी ने इस पूरे मामले पर आज छापेमारी शुरू की तो कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। एक चिरौंदी में जो कि इंजीनियर हैं उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई, आलमगीर आलम जो कि मिनिस्टर हैं राज्य सरकार में, उसके जो निजी सचिव हैं संजीव लाल जो कि दीनदयाल नगर स्थित उनका आवास है उस जगह पर छापेमारी की गई, वहां पर भी लगातार ईडी की टीम बनी हुई है। उसके बाद जो संजीव लाल के ही सहायक कर्मी कहे नौकर कहे या फिर अन्य चीजें कहे उनके ठिकाने पर जब इस जगह पर ईडी की जब टीम पहुंची और ईडी की टीम जब यहां पर पहुंच करके अपनी कार्रवाई को शुरू की तो उसके बाद से ही लगातार इस जगह से पैसे बरामद होने की जानकारी मिलने लगी और उसके बाद जो वीडियो फुटेज सामने आने लगे और उस पूरे मामले पर अपनी जांच की प्रक्रिया को जब ईडी आगे बढ़ाने लगी तो पता चला कि तकरीबन 25 करोड़ रुपए जो है वो ईडी के इस रेड के दौरान जो है वह बरामद किया गया है। इस 25 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद इस पूरे मामले पर ईडी के द्वारा जो है दबिशें बढ़ा दी गई है और जांच के दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में ईडी के कई अधिकारी शामिल थे, अब से कुछ देर पहले बैंक के कर्मी और अधिकारी भी आए थे, उन्होंने इस पूरे स्थिति प्रमेश का जायजा लिया, जानकारी हासिल की कि इतने अमाउंट जो है वो किस तरह से रखे जा सकते हैं, वो किस तरह से यहाँ से ले जाए जा सकते हैं, कैसे जो बैंक के कर्मी है उनका मिलान करेंगे, मिलान यहीं पे होगा या फिर बैंक में ले जा करके मिलान कराए जाएंगे, इन सारी चीजों की बातचीत जो है ईडी के अधिकारियों के द्वारा की गई है। उसके बाद बैंक के कर्मी जो है अधिकारी जो है वो यहां से निकले, हालांकि हमारी बातचीत करने की कोशिश की गई उसे, लेकिन फिलहाल उनसे बातचीत नहीं कर पाए हैं और वो सीधे यहां से निकल करके चले गए। लेकिन अब से कुछ देर पहले गाड़ी भी ईडी के यहां पे पहुंची थी, उसमें ईडी के जो अधिकारियों के जो साजो सामान थे, जो जरूरी चीजें थी, चाहे वो पानी हो या फिर खाने की चीजें हो, उन तमाम चीजें भी यहां पे पहुंची है। मतलब इस बात के साफ संकेत है कि यह जो पूरी छापेमारी है वो लगातार यहाँ पे यहीं पे बनी हुई रहेगी। इनके अलावे भी जो आधा दर्जन से अधिक ठिकाने हैं उन जगहों पर ईडी के जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के बाद इसका जो जो, जो दायरा है वो अब किस तरह से आगे बढ़ता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अक्सर ये सारी चीजें देखने के लिए मिली है कि जब ईडी के द्वारा जब कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के बाद कई लोगों के नाम सामने आए हैं और इसके नाम के बाद जो है समन के जरिए कई लोगों से पूछताछ करने के लिए भी ईडी का अधिकारी के द्वारा बुलाया गया है। दो साल पहले जब जी के इसी वक्त जो है ईडी के द्वारा उस वक्त कार्रवाई की गई थी और ईडी ने उस वक्त मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में सीए सुमन कुमार के ठिकाने पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। दो साल बाद अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, खनन के मामले में भी करोड़ रुपये बरामद किए गए, अलग अलग जगहों पर जब छापेमारी की गई तो उस वक्त भी पैसे बरामद किए गए हैं। और एक बार फिर से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अब जो है तकरीबन 25-26 करोड़ रुपए जो है वह बरामद किया गया जा रहा है, वो वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर के, वो भी वैसे व्यक्ति के पास जो जो सरकारी कर्मी नहीं है, कोई बहुत बड़े व्यवसायी नहीं है, ना ही वो बिल्डर है, ना ही वो बड़े राजनेता है, एक ऐसे व्यक्ति जो साधारण तौर से स्कूटी से चलता है जो है जहांगीर नामक व्यक्ति है, उनके ठिकाने से उनके पास उनके बेड के नीचे से ये पैसे जो है वो बरामद किए जाते हैं, जिनका मिलान जो कार्य है जो है वो लगातार चल रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के बाद जो है ईडी के अधिकारी लगातार अपने मामले को लेकर के जो दबिशें हैं वो बढ़ाई हुई है और इस जांच का दायरा जो है
वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अब इस पूरी कार्रवाई में ईडी के अधिकारी को ये कोशिश है कि इन पैसों को ना सिर्फ जब्त किया जाए बल्कि आने वाले दिनों में कई लोगों को सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि अब तक राजधानी रांची के ही कई जगहों पर, चाहे वो सेल सिटी हो, चिरौंदी हो, संजीव लाल के अपने आवास हो या फिर जहांगीर हो, इन चार ठिकाने ऐसे हैं जो अब तक सामने आए हैं। चारों ठिकाने के विजुअल फुटेज जो हैं न्यूज 11 के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईडी की जो टीम है इन तमाम जगहों पर बनी हुई है। इनके अलावे भी कई अन्य ठिकाने हैं जहाँ पर ईडी की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद अब ईडी की कोशिश है कि इन पैसों को जब्त करने के बाद इनके सोर्स को पता करने की कोशिश की जाएगी कि ये पैसे जो हैं वो किस तरह से अर्जित किए गए थे, ये पैसे जो हैं वो किस तरह से जमा किए गए थे, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर ये सारे पैसे जब जमा किए गए हैं तो इनके मालिक कौन है, इनके जो हुक्मरान कौन है, उनकी कोशिश होगी कि वो सारी चीज़ों को पता लगाया जा सके। तो आने वाले दिनों में कई लोगों को सम्मन के जरिए जो है वो पूछताछ की जा सकती है और सम्मन के बाद इस पूरे मामले में आगे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन अगर हम जो तस्वीर दिखा रहे थे कि जिस तरह से एक छोटे से घर पर एक अपार्टमेंट में इतने बड़े पैमाने पे कैश बरामद होने के बाद ईडी की टीम भी हरकत में आई और ईडी के तमाम अधिकारी यहां पे पहुंचे और पूरे मामले को लेकर के जांच में जुट गए हैं। जी बिल्कुल, एक छोटे से घर पर इतने कैश मिलना एक बड़ी बात है। अब सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी दीपक का जो हमारे साथ चिरौंदी से बने हुए हैं। और दीपक, अब वहां क्या कुछ अपडेट आ रहा है, वहां क्या कुछ गिनती जारी है? देखिए, क्योंकि अभी इतने चुनाव के समय में जो छापेमारी हुई है और इस इतने भारी मात्रा में कैश बरामद किया, तो कई लोग जो इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है, कई इंजीनियरों के अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी हुई है और हम इस वक्त मौजूद है चिरौंदी, जो मोराबादी के टाइगर हिल के ठीक नीचे चिरौंदी बस्ती है, और इस बस्ती में कुलदीप मीन जो सिविल इंजीनियर है और इनके ठिकाने पर ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। ईडी के जो अधिकारी है इस आवास के अंदर मौजूद है, पूछताछ भी समझौता कर रही होगी और जो जांच है वो लगातार की जा रही है। हमने थोड़ी देर पहले देखा भी कि जो बाहर जो कार दिख रही है, गाड़ियां दिख रही है, उस गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। अब सबसे अहम है कि जो छापेमारी चल रही है, जो कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई कब तक होगी और कार्रवाई समाप्त होने के बाद क्या कुछ जो ईडी को है वो बरामद होता है, क्या कुछ मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही कई लोकेशन पर छापेमारी जो है वो चल रही है, बरियातू में चल रही है, सेल सिटी में छापेमारी चल रही है और एक छापेमारी जो हड़मू गाड़ी खाना के पास हुआ है, जो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी पीए के नौकर के घर पे जो छापेमारी हुई है और उस छापेमारी में 25 से 30 करोड़ रुपए जो कैश है वो ईडी ने बरामद किया है। पैसे इतनी मोटी रकम है कि जो मशीन है वो मंगाई गई है, नोट गिनने वाली मशीन से नोटों की गिनती जारी है। अब देखना होगा कि जो नोट है वो कितना टोटल आंकड़ा आता है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 30 करोड़ रुपया हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है और भी ऐसे समय में जब चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो चार सीटों के लिए 13 मई को होगा और इससे पहले इतनी मोटी रकम जो है एक नौकर के घर से बरामद होता है, एक मंत्री के निजी पीए के ठिकाने से अगर इतनी मोटी रकम बरामद होता है तो इसका तो राजनीतिक लाभ लेने की हर संभव जो कोशिश है वो बीजेपी खासतौर पे करेगी ही करेगी। यह इसलिए भी कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीका से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी जनसभा को जहाँ जहाँ भी संबोधित कर रहे हैं, वो खास तौर पे बल दे करके भ्रष्टाचार के मुद्दों को ही लेकर के वो सबसे सामने लेकर के आ रहे हैं और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और जिस तरह से झारखंड प्रदेश में जब 2 दिवसीय दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उस में 3 संसदीय लोकसभा सीट में चुनावी जनसभा को संबोधित किए थे, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल दे करके भ्रष्टाचार पर वो सीधे तौर पर हमला किए थे और कांग्रेस पर को कटघरे में लिए थे। और अब जो है जो अभी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के बाद देश के प्रधानमंत्री फिर झारखंड में उनका आगमन होने जाना है और गृह मंत्री का आगमन होने जा रहा है और उस दरमियान जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने की हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है एक कह सकते हैं कि कांग्रेस के कोटे के जो मंत्री है उनके निजी सलाहकार या पीए
के एक नौकर के घर में इतनी मोटी रकम मिल गया है। तो वैसे में इस मुद्दा को लेकर जो है बीजेपी जिस तरह से हमेशा कांग्रेस पर हमला करते रही है, ये एक और मजबूत बल जो है वो बीजेपी को मिलेगा कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करते हैं। ये जो वर्ड जो अभी ट्रेंड कर रहा है और बीजेपी इसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, ये जो आज मोटी रकम जो ईडी को मिला है ये बीजेपी को और ज़्यादा बल दे देती है। और आने वाले जो लोकसभा का जो चुनाव अभी होना है, फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है 13 मई को होगा, उसमें फुल माइलेज लेने की हर संभव कोशिश जो है वो बीजेपी करेगा और इस मुद्दा को ही सबसे ज़्यादा प्रमुखता के तौर पर, प्राथमिकता के तौर पर बीजेपी इसको सामने ला करके जो है वो प्रचार प्रसार अपना जो है वो करेगी और कांग्रेस चाहे जेएमएम हो या आरजेडी हो इसको कटघरे में सवाल खड़ा करेगी। क्योंकि हमने देखा भी कि झारखंड प्रदेश में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, कई आईएएस अफसर को जो है वो सलाखों के पीछे जाना पड़ा है, यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कई ब्यूरोक्रेट्स है, कई जमीन के कारोबारी है, दलाल है और जो है बड़े बड़े कारोबारी है, इन लोगों को सलाखों के पीछे ईडी गिरफ्तार करके भेज चुका है अलग अलग मामलों में। सबसे पहला जो कार्रवाई हुआ राजनीतिक लाभ तो उठाते जरूर नजर आएंगे पहले फेज के चुनाव के लिए भी। आप यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए दीपक, ब्रेक के बाद फिर आपके साथ जुड़ेंगे। आपको करोड़ों रुपए की बरामदगी, जेवरात भी मिले हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए जहां जेवरात और कैश दोनों ही बरामद किए गए। कई जगहों पर ईडी की छापेमारी सुबह से ही चल रही है, सुबह से ईडी की दबिश राज्य के कई ठिकानों पर। आपको बता दें कि सीएससीटी चिरौदी और बरियातू में ये रेड चल रही है जहां नोट गिनने के लिए मशीनें तक मंगवाई गई हैं। बैंक के कर्मचारी नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, नोट गिनती जारी है और मशीनों को मंगवाया गया है नोट गिनती के लिए। अब तक भारी मात्रा में कैश बरामद की बात जो है वो सामने आ रही है। और फिर से जुड़ेंगे अपने सहयोगी इमरान से। इमरान देखिए, जो ये छापेमारी चल रही है, आज ही के दिन 2 साल पहले आईएस पूजा सिंघल के यहाँ भी छापेमारी पड़ी थी और करीब 17 करोड़ के करीब जो है वो कैश बरामद किया गया था। देखिए बिल्कुल सोनाली, जिस तरह से जो संयोग कहें कि इसी महीने में 2 साल पहले पूजा सिंघल के आवास में भी छापेमारी की गई थी, उसमें सीएस सुमन कुमार के ठिकाने पर जब पूरी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही थी, उस दौरान जो है 19 करोड़ रुपए से अधिक जो पैसे हैं वह बरामद किया गया था। उस वक्त जो है घोटाले के नाम अगर हम कहें तो मनरेगा घोटाले से जोड़ करके ये पूरी मामले को देखा जा रहा है। तो इस मनरेगा घोटाले में उस वक्त जो है 2 साल पहले बरामद किए गए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले को अगर हम का है तो इस पूरे मामले को लेकर के अब एक बार फिर से कड़िया दर कड़िया जो है अलग अलग घोटाले सामने आते रहे हैं, चाहे वो लैंड स्कैम हो, खनन का मामला हो या फिर दूसरे मामले हो, उस दौरान भी कई पैसे बरामद किए गए। लेकिन अब तक के सबसे बड़े झारखंड में अगर कार्रवाई की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है तकरीबन 25 से 26 करोड़ रुपये जो है वह बरामद किया गया है। इस घर में काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी अगर आने जाने की अगर जरूरत पड़ रही है तो उनकी गहनता से जांच की जा रही है, पूरी पूछताछ के बाद ही अंदर आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे झारखंड में अब तक ये 2 साल में अगर कार्रवाई करें तो कई घोटाले सामने आए, चाहे वो मनरेगा हो, खनन हो, लैंड स्कैम हो और एक बार बिरिंदर राम हो या फिर अन्य दूसरे मामले। तो बिरिंदर राम के जुड़े के मामले में आज सुबह से ही ईडी के जो टीम है तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई जो है वह शुरू की गई है रांची में। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है जहांगीर नामक व्यक्ति जो कि सहबाग जो कॉलोनी सर सैयद अपार्टमेंट में वह रहते हैं, उनके ठिकाने पर जब ईडी की टीम पहुंची तो ईडी की टीम का भी होश उड़ गया, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि साधारण तौर पर रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के निजी कर्मचारी के रूप में, नौकर के रूप में कार्यरत है, स्कूटी से आना जाना करता है, उसके घर पर जो है करोड़ों रुपए कैश जो है वह बरामद किया गया है। उनकी जब जब्ती की जा रही थी उस वक्त खुद उसको उसके बेड में बैठाया गया, नोट के साथ जो है उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है कि किस तरह से बेड के नीचे में छिपा करके रखे जो है तकरीबन 25 करोड़ रुपए जो है उससे अधिक जो पैसे हैं वह बरामद किए गए। वो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। इनके अलावा इस पूरे मामले पर जांच की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ईडी के अधिकारियों ने बैंक के अधिकारियों कार्रवाई चुनाव के समय पे ये जो
कार्रवाई देखी जा रही है ईडी की तरफ से और विपक्ष उसका पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेगा। हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे इमरान और दीपक, लेकिन आगे हमारे सहयोगी निशात आपके साथ जुड़ेंगे और वो तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे।